हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में द फूडी किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इडली ढोकले की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि काफ़ी स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। चलिए बनाते हैं। जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब हम इसमें एक कटोरी सूजी लेंगे। ये सूजी मैंने मोटे वाली ली है, आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। अब हम एक कटोरी बेसन लेंगे। सूजी और बेसन की मात्रा हम लोग सेम ही लेंगे। अब हम इसमें एक कटोरी दही लेंगे। दही मैंने फ्रेश लिया है, आप एक या दो दिन का दही भी ले सकते हैं, उससे भी आपका इडली ढोकला काफ़ी अधिक स्वादिष्ट बन के तैयार होएगा। तीनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। ये देखिए, हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। हल्दी डालेंगे एक पिंच कलर के लिए और आधा नींबू निचोड़ देंगे और इन तीनों चीज़ों को हम लोग फिर से मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। फिर से एक बार और हम लोग इनसे मिक्स कर देंगे ऑयल को बैटर के अंदर और 10 मिनट के लिए हम लोग इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम बैटर को देखते हैं। ये देखिए, बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुआ। ये देखिए, इस तरीके का बैटर हमें रखना है हमारे इडली ढोकले के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इनो। अगर आपके पास इनो है तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इनो के ऊपर और इसको मिक्स करेंगे। इनो डालने के बाद हमें बैटर को ज़्यादा देर तक फेंटना नहीं है, हल्के हाथों से ही फेंटना है सिर्फ। ये देखिए, बैटर को हमने फिर से फेंट लिया है। अब हम इडली का साँचा लेंगे। ये देखिए, आज हम लोग ढोकला इडली के साँचे में बनाएंगे। ये देखिए, हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे हम लोग इसके ऊपर ताकि आसानी से हमारा इडली ढोकला निकल के जाए इसमें से। ये देखिए, ऑयल से हमने इसे ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बैटर को डालेंगे इसमें। फ्रेंड्स, ये इडली ढोकला खाने में काफ़ी अधिक स्वादिष्ट लगता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये देखिए, गेस्ट आए तो आप इसे पहले से भी बना के रख सकते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट बनके इडली ढोकला हमारा बनके एकदम तैयार होएगा। देखिए, सभी सांचे में हमने इस बैटर को थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। इसी तरीके से हम लोग जितना बैटर बचा हुआ है उसको भी डाल देंगे दूसरे सांचे में। अब हम बनाते हैं हमारा इडली ढोकला, जिसके लिए देखिए ये मैंने पानी को गर्म कर लिया पहले से ही। अब हम इसमें हमारे इडली ढोकला को रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसे पकाएंगे ताकि अच्छे से पक के एकदम तैयार होए। देखिए, इडली ढोकला हमारा बन रहा है। इतने हम लोग इसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और सरसों डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे और 1 चम्मच सफ़ेद वाले तिल डाल देंगे और इनको सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। और पानी को उबाल आने तक हम लोग इसे पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स,
अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच चीनी डालेंगे। देखिए पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें एक नींबू निचोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स तड़का हमारा तैयार है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारे इडली ढोकला को। ये देखिए फ्रेंड्स इडली ढोकला हमारा बन के एकदम तैयार है। इस तरीके से हम लोग चाकू लगा कर देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल आराम से चाकू इसके अंदर से निकल रहा है, बिल्कुल भी बैटर इसके अंदर चिपक नहीं रहा। तो हमारा ये इडली ढोकला बन के एकदम तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम लोग इसे निकालेंगे, 5 मिनट के लिए हम लोग इसे ठंडे के लिए रख देंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं। फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर से हमारे इडली ढोकला को निकाल लेंगे। ये देखिए बड़ी आसानी से ये देखिए निकल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हमारे ये इडली ढोकला बन के एकदम तैयार हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हमारा ये इडली ढोकला बन के एकदम तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम लोग हमारे सारे इडली ढोकला को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स जो हमने तड़का तैयार किया था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए काफ़ी स्वादिष्ट हमारा इडली ढोकला बन के तैयार हुआ है। आप इसे नॉर्मली सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोग हमारे इडली ढोकला को सर्व करेंगे। काफ़ी स्वादिष्ट हमारा ये इडली ढोकला बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपका रोटी खाने को मन नहीं है तो आप इंस्टेंट इडली ढोकला बना के खा सकते हैं और इसे सर्व भी कर सकते हैं। ये देखिए नारियल के बुरादे से हम थोड़ा सा इसे गार्निश कर देंगे ताकि ये जितना खाने में अधिक स्वादिष्ट लगे उतना ही देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा इडली ढोकले की रेसिपी बन के एकदम तैयार है। फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये इडली ढोकले की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।